नमस्कार दोस्तों, एसके ठाकुर टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष और आज हम आपको दिखाएंगे आपका जो डिस्टीवी का सेटअप बॉक्स होता है, जो रिमोट कंट्रोलर, वो स्लो रेस्पॉन्स कर रहा होता है तो आपको बहुत ही ज्यादा इरिटेट होना पड़ता है। तो आपको इसे सॉल्व कैसे किया जाए हम बताएंगे। तो दोस्तों, पहले तो हम आपको बताते हैं कि आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जो सब्सक्राइब बटन दिया गया है, आप यहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो के नीचे भी होता है, यहाँ पे जाके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही ढेर सारे टैग, रिव्यू, अनबॉक्सिंग एंड ट्यूटोरियल्स वीडियो पा सके। सो दोस्तों, अगर आप पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। पहले तो आपका जो सेटअप बॉक्स का रिमोट कंट्रोलर है, वहां पे आपको जाने के मेन्यू की को 8 टाइम प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। मेन्यू की को प्रेस करने के बाद आपको एक इंस्टॉलेशन मेन मेनू आ जाएगा, वहां पे आपको जाना है, सिस्टम सेटअप पे जाके ओके प्रेस करना है, ठीक है। ये मैंने अभी मेरा जो रिमोट का डाउन की प्रेस करके सिस्टम सेटअप के आपके अभी ओके प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब अभी ओके प्रेस करने के बाद आपको एक नया मेन्यू दिखाएगा, यहाँ पे इरेज ईपीजी पे आपको जाके ओके प्रेस करना है। तो आपको एक वार्निंग दिखाएगा, दिस विल कॉजेस द ईपीजी इन द बॉक्स बी इरेज्ड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे भी ओके की प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ओके की प्रेस करने के बाद ये इरेजिंग स्टार्ट हो जाएगा। इरेजिंग इरेजिंग हो जाने के बाद ये देखिए, इरेज ईपीजी सक्सेसफुली। ये हो जाने के बाद आपको आपका जो टीवी को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। रिस्टार्ट टीवी रिस्टार्ट हो जाने के बाद हम अभी जो रिमोट पे चेंज कर रहे हैं, ये देखिए जो चेंज कर रहे हैं, चैनल रेस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर बुरा लगा तो डिसलाइक कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। बोलिए भारत माता की जय।